हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बात की थी संविदा वर्ग एक के लिए, अब मैं कुछ आपको वन वर्ड की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को, उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अपायरी बोला जाता है। दूसरी जगह जू, जहाँ जानवर रखे जाते हैं। एक्वेरियम आप जानते हैं, मछलियाँ। और एवियरी जो है, यहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ होमलेस फोरसेकन चाइल्ड, एक होमलेस बच्चे को क्या कहा जाता है? वेप कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में किसी की मौत की खबर आती है उसको हम ओबिट्योरी कहते हैं। अगला, ब्रीफ दैट सोल पासेज एट डेट टू इन टू अनदर बॉडी, ये बिलीव जो है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, ट्रांसमाइग्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट, अमीटर कहा जाता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ये सिद्धांत कि सिर्फ एक ही भगवान है, इसको मोनोथीज्म बोलते हैं। मोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक। द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक विशेष रीजन के एनिमल्स को क्या कहा जाता है? तो हम देखते हैं, इसको फौना कहा जाता है। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, किसी देश के लोगों को जब हम गिनते हैं, पता ही होगा आप सबको, इसको सेंसस कहा जाता है, जनगणना। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ बींग अनमैरिड, शादी नहीं होती है, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी कहा जाता है। अ पर्सन हु हैज अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटीज, कुछ असाधारण आदतें किसी की होती हैं, प्रोडिगी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट डाई, जो मरे ना, अनश्वर यानी कि इमॉर्टल। अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो, मतलब जहाँ पर घास और ट्री दोनों नहीं होते हैं, बैरन या बंजर कहा जाता है। अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो कि अपने देश को बहुत प्यार करता है, सरल था, पैट्रियोटिक कहा जाएगा। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंट, एक ऐसा स्थान जहाँ मनी पैसे गिने जाते हैं, टकसाल यानी कि मिंट कहा जाता है इन्हें। अगला, टू फेवर वंस ओन रिलेटिव्स, भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म इसको कहा जाता है। द हाउस ऑफ एन एस्किमो, एस्किमो का घर, ये जीएस में भी क्वेश्चन आता है, इग्नू कहा जाता है। अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी बुक जिसमें सभी इन्फॉर्मेशन होती है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। टाइम ऑफ द ईयर एट विच द सन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल, ऐसा समय जब सूर्य इक्वेटर को क्रॉस करता है, दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दैट विच कैचेस फायर इजीली, जो आसानी से आग पकड़ लेता है, इनफ्लेमेबल कहा जाता है उसको। अगला, अ चाइल्ड ब्रॉट अप बाय पर्सन हु आर नॉट पेरेंट्स, ऐसा बच्चा जिसको ऐसे माता पिता पालते हैं जो उसके माता पिता नहीं हैं, फॉस्टर चाइल्ड बोलते हैं, गोद लिया हुआ बच्चा, या उसको बड़ा भी करते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, देखभाल करते हैं उसकी, फॉस्टर मदर भी आपने सुना होगा। दैट विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल। अगला, एन एनिमल विथ टू फीट, दो के लिए रूट वर्ड वाई होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाइब्ड। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, पढ़िएगा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। फिर नए वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, कीप लर्निंग।